नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों की ओर। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के बेटे ने इंडस्ट्री से दूरी बनाई हुई है। वह स्विमिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं और अपने पिता का नाम खूब रोशन कर रहे हैं। आर माधवन के बेटे वेदांत ने स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके बाद माधवन ने सोशल मीडिया पर बेटे को बधाई दी है। वेदांत ने नेशनल जूनियर रिकॉर्ड 1500 मीटर फ्री स्टाइल का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विकासशील इंसान पार्टी बिहार से झटका खाने के बाद अब झारखंड में अपना पैर पसार रही है। इस कड़ी में अब वीआईपी ने झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका देने की कोशिश की है। दरअसल वीआईपी ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रोफेसर राजकुमार चौधरी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि प्रोफेसर चौधरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पीएस रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कदावर नेता बाबू लाल मरांडी से भी उनके खास रिश्ते रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत के बाद भारत ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 स्थान हासिल कर लिया है। इंग्लैंड पर भारत की सीरीज जीत ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे अपने तीसरे स्थान को और मजबूत कर लिया है। 109 रेटिंग अंकों के साथ भारत अब पाकिस्तान से 3 अंक आगे है। वहीं न्यूजीलैंड 128 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह सब भाजपा और केंद्र सरकार के कारण हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि विपक्ष एकजुट हो, मजबूत हो और आंदोलन करे। राकेश टिकैत ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अलग होने की सलाह दे डाली। पटना के डागुंगला स्थित होटल सम्राट में आयोजित प्रेस वार्ता में सोमवार को उन्होंने कहा कि यह पार्टी विपक्ष मुक्त शासन करना चाहती है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है, जिन पर 5% माल और सेवा कर देना होगा। इस तरह 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सूबे में प्राइमरी टीचरों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बिहार में शिक्षकों की कमी हताश अभ्यर्थी और बेरहम सरकार है। उनके इस ट्वीट के अनुसार बिहार में बहार है, यहां शिक्षकों की कमी है और चूहों की भरमार है। यही वो सुशासन की सरकार है जहाँ हताश अभ्यर्थी और बेरहम सरकार है। देश में दूध से बनने वाली पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट पर जीएसटी 5% बढ़ा दी गई है, जिसके बाद यूपी में विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने ट्वीट पर कर लिखा, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी इलाज। सपा प्रमुख ने ट्वीट कर लिखा, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव अर्थ सामने आया है, गई सारी तनख्वाह। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार को हो चुकी है। इसके साथ नए सदस्यों ने भी शपथ ली है। इसमें बिहारी बाबू के नाम से मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शपथ ली है। शपथ के बाद वे जय हिंद जय बांग्ला बोलते हुए नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आसनसोल से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा शपथ लेने उठे, साथ ही सांसदों ने उनका अभिवादन भी किया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस कड़ी में शिवसेना में 100 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां मुंबई, पालघर, यवतमाल, अमरावती समेत कई जिलों में की गई है। बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायक शिंदे गुट में चले गए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में नए चेहरों को जगह देने की शुरू कर दिया है शिवसेना में नए चेहरों को जगह देना शुरू कर दिया है।
बीते 12 जुलाई को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बार अटक गए। बीते 12 जुलाई को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बार अटक गए थे। अब उनकी बहन मीसा भारती जी ने शपथ ग्रहण के दौरान गलती की है। आज मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जब सदस्यता की शपथ ले रही थी तो इसी दौरान उनसे दो बार गलती हुई। मीसा भारती ने विधि की जगह वृद्धि कह डाला। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए सोमवार 18 जुलाई को मतदान हो रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले धनखड़ ने उनका समर्थन कर रहे विभिन्न दलों के सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में एक बैठक भी की है। क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन या बैन लगाने के लिए कोई भी कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को किसी देश की सीमा के भीतर बांधा नहीं जा सकता है, इसलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में भूल भुलैया 2 के रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद नया कीर्तिमान रचा है, जिसके बाद अब कार्तिक आर्यन को हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर कबीर खान और साजिद नाडियाडवाले के साथ काम करने का मौका मिला है। इसे लेकर कार्तिक ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह बहुत खास है कि अपने फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। इस जर्नी को शुरू करने के लिए काफी उत्साहित हूँ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की युवा विंग के नेता सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। दरअसल युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका से पार्षद पूर्वेश सरनाइक पहले ही शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। अब उन्होंने बीते शाम को एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ताओं समेत समर्थन देने का ऐलान किया है। ऋषभ पंत के नाबाद 125 रन और हार्दिक पांड्या के हरफ मौला प्रदर्शन के बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और इंग्लैंड की टीम ने 259 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर 261 रन बनाए और मैच अपने नाम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सिंगापुर जाने से रोक रही है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में वोट डालने के बाद सीएम ने मीडिया के सामने दावा किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल को लेकर स्वास्थ्य स्कूलों में सेवाएं की वृद्धि के बारे में बताने के लिए बुलाया है, इससे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने बड़ा उलटफेर किया है। वह शीर्ष 10 अमीरों की सूची में एक पायदान आगे बढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम सूची के मुताबिक अडानी 112.6 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ चुके हैं। पांचवें नंबर पर खिसके गेट्स की नेट वर्थ कम होकर अब 103 अरब डॉलर रह गई है। अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उतरने की तैयारी कर रहे ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि कम से कम 6 खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और 89 मीटर के आंकड़ों को पार कर रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने साथ ही कहा कि इस साल उनका लक्ष्य 90 मीटर के आंकड़ों को पार करना है, जिसके वह डायमंड लीग के दौरान काफी करीब पहुंचे थे। फिर से पीएम मोदी यूपी दौरे पर आने की जानकारी सामने आई है। 25 जुलाई को पीएम मोदी कानपुर आ रहे हैं। इस कानपुर दौरे पर पीएम हरमोहन सिंह यादव के शताब्दी वर्ष पुण्यतिथि आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्वा में आयोजित होगा। खास बात तो यह है कि बीते 7 अप्रैल को सपा के तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने पीएम मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया था।
जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास रविवार देर रात एक आकस्मिक ग्रेनेड विस्फोट में भारतीय सेना के एक कप्तान और एक जूनियर कमीशन अधिकारी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह के रूप में हुई है। वे पूंछ के मेढर सेक्टर में एक गश्ती दल का हिस्सा थे। में हुई बिजली शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर अरविंद केजरीवाल की बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आलोचना की है। गौतम गंभीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया था कि स्वच्छ शासन और प्रशासन के साथ बिजली की कीमतों में भारी कमी आएगी। हालांकि पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के लोग सिर पर चार ही देख रहे हैं। बिजली की खपत करने वाले 58 लाख घरों में से केवल आधे 200 यूनिट से कम का उपयोग करते हैं, जो सीधे बिजली वितरण कंपनियों द्वारा चार्ज नहीं किया जाता है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से खुले मन से चर्चा करने की अपील की है। मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान संसद में चर्चाओं के 18 दौर होंगे। पीएम ने कहा कि यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के नए मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सोमवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के 16,935 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में कोरोना महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 16,069 है, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित 51 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,264 पहुँच गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 6.48% है। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने कहा कि उनके बेटे की आवाज दबाई नहीं जा सकती। मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि हत्यारे मेरे बेटे को शांत करना चाहते थे, लेकिन उसकी आवाज और ज्यादा दूर तक पहुंची है। बलकौर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे बेटे के फॉलोअर्स की संख्या 16 मिलियन पहुंच गई है। वो उसकी आवाज को शांत करना चाहते थे, लेकिन वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। एप्पल की आईफोन 14 सीरीज कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो जाएगी। सीरीज में 4 मॉडल्स होंगे, जिसको लेकर कई फीचर्स और कीमत को लीक किया जा चुका है, लेकिन ये लीक्स सिर्फ ट्विटर्स द्वारा किया गया है। कंपनी ने फोन को लेकर अभी तक कुछ नहीं बताया है। लीक से पता चला है कि आईफोन 14 प्रो मॉडल को कई विशेष अपग्रेड और हायर प्राइसिंग प्राप्त होंगे। दावा किया गया है कि स्टैंडर्ड आईफोन 14 मॉडल को भी कीमत में उछाल मिलेगा। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगले महीने 3 दिनों तक देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों प्रशासकों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किए जाने वाले अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने इसरो के साथ एक समझौता किया है, जिसका फायदा हर एक आधार कार्ड होल्डर को मिलेगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI और इसरो ने मिलकर लोकेशन ट्रैक करने को लेकर एक समझौता किया है। उसके बाद कोई भी आधार कार्ड होल्डर अपने घर के पास के आधार केंद्र का आसानी से पता लगा सकता है। जम्मू कश्मीर स्थित बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जाना लगातार जारी है। श्रद्धालु इस साल बड़ी संख्या में अमरनाथ पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी 5,649 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू से अमरनाथ यात्रा के आधार शिरो बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया। अफसरों की ओर से जानकारी दी गई है कि इस साल अब तक 1.83 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ के दौरान बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खत्म मैच के बाद हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, तो उन्होंने सफेद गेंद से खेले जाने वाले क्रिकेट को अपने बेहद करीब बताया। पांड्या ने कहा, सफेद गेंद से खेला जाने वाला क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है। हमारे लिए यह सबसे जरूरी यही था कि हम अपनी योजनाओं का अमल में ला सकें। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया उनके नाम हैं नीतीश कुमार, नूनू कुमार, मुनचुन यादव, निराला कुमार, सानू ऑफिशियल, आलोक कुमार पासवान, अखिलेश यादव, अनुराग कुमार सिंह, दीपक कुमार, लकी राज, प्रशांत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आपने अब तक कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाया है या नहीं।
आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की जुड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।